नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं दोस्तों, और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग को स्वागत करती हूँ किरण किचन ब्लॉग में दोस्तों। आज क्या बनने वाला है किरण किचन ब्लॉग में दोस्तों? तो आज मैं यहाँ पे ली हूँ एक कटोरी पका हुआ चावल दोस्तों। पकाया हुआ चावल है ये, रात को बच गया था दोस्तों, तो मैं बेकार नहीं जाने दे रही हूँ इस पका हुआ चावल को। आज मैं बनाऊँगी बहुत बढ़िया लजबाब रेसिपी दोस्तों, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा हमारे रेसिपी को। तो देखिए यहाँ पे ये पका हुआ चावल है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ली हूँ एक छोटे वाला बर्तन। इस बर्तन में हम पानी डालेंगे एक गिलास, और इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे रिफाइंड, और दोस्तों स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे इस पानी में, आधा चम्मच हम मीठा सोडा डालेंगे और डाल करके इसे मिक्स करेंगे दोस्तों। तो देखिए इस पानी में उबाल आ चुका है, तो जो मैं यहाँ पे चावल रखी थी पकाया हुआ, उस चावल को हम डालेंगे और डाल करके इसे बहुत बढ़िया से मुलायम करेंगे पका करके दोस्तों। क्योंकि ये चावल को मैं फ्रिज में रखी थी तो थोड़ा कड़ा हो गया था दोस्तों। तो देखिए इसमें हम एक चम्मच सूजी डालेंगे, और सूजी को डाल करके हम मिक्स कर देंगे, और मिक्सर करके इसे हम 5 मिनट तक ढक कर पकाएंगे दोस्तों, मुलायम करेंगे, और सूजी भी पकेगा और चावल भी पकेगा, दोनों को हम साथ में ढक करके पका देंगे। तो चलिए हम चेक करके दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों चावल और सूजी पक चुका है यहाँ पे, कितना बढ़िया मुलायम हो चुका है, चावल भी और सूजी भी पक चुका है दोस्तों। तो हम इसे गैस से उतार देंगे और ठंडा होने के इंतज़ार करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस मिक्सी जार में हम पका हुआ चावल और सूजी को डालेंगे और इसे हम पेस्ट तैयार करेंगे दोस्तों। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को इस देखिएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे मिक्सी जार में डाल ली हूँ इस सूजी को और पका हुआ चावल को दोस्तों। तो मैं इसमें एक चम्मच पानी डालूँगी और इसे पेस्ट तैयार करूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा पेस्ट तैयार हो चुका है, एकदम महीन दोस्तों। तो महीन मैं पेस्ट को तैयार कर ली हूँ, इसे हम इस बर्तन में पलट लेंगे इस चम्मच के सहारे दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, तो मैं पेस्ट को निकाल करके आप लोगों से दिखाती हूँ दोस्तों। तो देखिए मैं सारे पेस्ट को निकाल ली हूँ इस बर्तन में। तो आज मैं बता दे रही हूँ कि पकाया हुआ चावल और एक चम्मच सूजी से आज मैं बनाऊँगी चावल के पोलो चिप्स दोस्तों। पोलो चिप्स का रेसिपी है ये, और मैं यहाँ पर एक चम्मच काली मिर्च की पाउडर डाली हूँ, और मैं यहाँ पर पीला रंग का पाउडर डाली हूँ दोस्तों एक चम्मच। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर ली हूँ काली मिर्च की पाउडर और पीला रंग का पाउडर दोस्तों। तो मैं यहाँ पे ली हूँ एक कोनी वाला प्लास्टिक थैली, तो इस थैली में हम भर लेंगे बैटर को दोस्तों, और इसी थैली से मैं बनाऊंगी पोलो चिप्स, जिस तरह हम चावल को चकोरी बनाते हैं दोस्तों, कचरी बनाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इस बैटर को भर ली हूँ, अब इस हम कोने को गोले आकार में काटेंगे, तिरछा नहीं काटेंगे दोस्तों। इस कैंची से हम काट लेंगे इस कोने को, और काट करके इसी से हम बनाएंगे पोलो चिप्स दोस्तों। तो आप लोगों से मैं बता दे रही हूँ कि पोलो चिप्स के ये रेसिपी हैं दोस्तों पकाया हुआ चावल से, और मैं यहाँ पे इस थाली में बनाऊँगी जिस तरह हम लोग चावल की चकोरी बनाते हैं दोस्तों, कचरी बनाते हैं, उसी तरह मैं यहाँ पे पोलो चिप्स बना दे रही हूँ। तो आप लोग से उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये पोलो चिप्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाते समय बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो आप लोग पहले से चैनल पर हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। और चैनल पर नए हैं
तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे पोले चिप्स को मैं बना ली हूँ दोस्तों। तो इसे मैं सुखाऊंगी, दिन भर के धूप में रख दूंगी धूप में सूखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा चिप्स सूख चुका है दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया मज़ेदार सूख चुका है। अब इसे हम फ्राई करेंगे कुछ चिप्स को चाय के साथ लेने के लिए दोस्तों। तो आप लोगों से मैं फ्राई करके दिखाती हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग फुल वॉच करिएगा। तो वहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है, तो मैं चिप्स को डालूँगी और फ्राई करूँगी दोस्तों। बच्चे बड़े बहुत पसंद करते हैं इस नमकीन चिप्स को दोस्तों। तो देखिए वाव कितना बढ़िया फूल जा रहा है। यहाँ पे इसका साई देखिए एकदम मार्केट की जैसे। यहाँ पे ये मेरा चिप्स बन कर के तैयार हो चुका है। तो मैं फ्राई करके आप लोगों से दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं इस चिप्स को फ्राई कर ली हूँ कुछ चाय के साथ खाने के लिए, समय के साथ दोस्तों, समय के टाइम में। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो लाइक दबा देना दोस्तों, क्योंकि हमें भी खुशी आएगी और हमें भी सपोर्ट बनाइए रखिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।